the question is that we have two spheres here और उससे ये स्फीयर आके टकराती है बीचों बीच और रुक जाती है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि E का वैल्यू 2/3 है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इस ए स्फीयर का u है, बी स्फीयर और सी स्फीयर एकदम सिमेट्रिकली इधर और इधर मूव करेगी। अगर हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट देखें और रेडियस का रिलेशन देखें तो बहुत आसानी से हम लोग ये 2r है, ये r है, ये एंगल 30 डिग्री बता सकते हैं। इसका मतलब है ये स्फीयर इधर कुछ भी वेलोसिटी से जाएगा। अब अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है u एम यू, ये इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा जब ए टकराया होगा बी और सी से, उससे पहले इसका मोमेंटम एम यू था और वो रुक गया, तो बाद में उसी डायरेक्शन में मोमेंटम एम वी कॉस थीटा, दोनों का एम वी कॉस थीटा, क्योंकि नीचे भी जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो 2 एम वी कॉस थीटा, यहाँ थीटा 30 डिग्री है, एम से एम कट गया, तो यू इक्वल्स टू 2 वी कॉस 30 इज रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, यू का वैल्यू रूट 3 वी। ये यू और वी में हमारा रिलेशन आ गया। अब हम लोग आगे ई निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये कुछ सिचुएशन रहा होगा बिफोर अप्रोच, ये लाइन है, इसके लॉन्ग अप्रोच हो रहा है, तो यू और इधर कंपोनेंट निकालें तो यू कॉस 30 डिग्री, यू कॉस 30 इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया आर वी ए बिफोर कोलिजन, एंड हेंस यू इंटू रूट 3/2 इज आर वी ए। वट इज आर वी एस, आर वी एस क्या होगा, ये वी वेलोसिटी से भागेगा और ये क्योंकि रुक गया है तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका आर वी एस वी हो गया। तो अगर ई निकालेंगे तो ई आएगा आर वी एस बाई आर वी ए और ये वैल्यू होगा वी बाई यू रूट 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वी का वैल्यू रूट 3, यू का वैल्यू रूट 3 वी है। इसको जब पुट करते हैं तो यू का वैल्यू जब रूट 3 वी पुट करेंगे तो वी से वी कट जाएगा और ई का वैल्यू 2/3 आएगा।